आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति में आज दीपक हॉस्पिटल जालना के डॉक्टर परीक्षित ठाकुर, जो कि कैंसर रोग तज्ञ हैं। दोस्तों, कैंसर का नाम सुनते ही हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इन दिनों हम देखते हैं मुंह के कैंसर का प्रमाण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका कारण हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी हम अनजान बनते हैं। दोस्तों, हमारे आसपास देखिए, महज 16 से 17 साल के बच्चे निकोटिन यानी तंबाकू और घुटके के आधीन हो चुके हैं, जो कि कैंसर का मुख्य कारण है। कैंसर ये बीमारी जानलेवा है। इसे कैसे रोका जाए या फिर इसका इलाज कैसे कम खर्चे में किया जाए, और साथ ही जानेंगे महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के बारे में डॉक्टर परीक्षित ठाकुर से आरोग्य जागृति में। आरोग्य जागृति में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आरोग्य जागृति हमेशा की तरह आज दीपक हॉस्पिटल जालना, यहाँ पे अपने डॉक्टर परीक्षित ठाकुर, जो कैंसर तज्ञ स्पेशलिस्ट है, जिनका नाम मराठवाड़े में है, हम जानना चाहेंगे कि माउथ कैंसर, जो मुंह का कैंसर होता है, या फिर बच्चेदानी का कैंसर, जो ओरिस कैंसर जिसको बोला जाता है, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी डॉक्टर परीक्षित ठाकुर साहब से जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, अभी कैंसर के पेशेंट की तादाद दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जिसमें मुँह का कैंसर है या फिर बच्चेदानी का कैंसर होता है, इसके बारे में दिन ब दिन पेशेंट बढ़ते, इसका क्या कारण हो सकता है? तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आरोग्य जागृति ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि कैंसर अवेयरनेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैंसर की रोकथाम के लिए। तो कैंसर अवेयरनेस में हम क्या क्या देखते हैं? अभी जैसे आपने हमें क्वेश्चन पूछा कि जो मुँह के कैंसर है और जो बच्चेदानी का मुँह का कैंसर होता है, जो लेडीज़ में ज़्यादा पाया जाता है, तो उसके क्या कारण है? तो इसमें अगर देखा जाए, जो मुँह के जो कैंसर है, हम उसको कहते हैं ओरल कैविटी कैंसर। ओरल कैविटी कैंसर इंडिया में सबसे ज़्यादा एक नंबर पे वही आता है, उसके बाद आता है जो अपने लेडीज़ लोग रहते हैं उनके बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। इसमें हम पहले अभी ओरल कैविटी कैंसर के बारे में बात करते हैं, जो कि मुंह का कैंसर कहते हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में ऐसा हो गया है कि लोगों को जो है पढ़ाई ज़्यादा नहीं है, काम करते हैं वो कैसा काम करते हैं पता नहीं, हाइजीन नहीं है, और उसके वजह से उनको अलग अलग चीज़ों की लत लगने लग जाती है, जैसे कि निकोटीन हो गया, तंबाकू, गुटखा, शराब, ये सारी चीज़ें लगती है। तो उसमें जो निकोटीन और जो मैंने गुटखे की बात की है, सबसे ज़्यादा रीज़न और कारण जो है मुंह का कैंसर होने का, वो है गुटखा खाना या तंबाकू खाना। उससे क्या होता है, जो अपना ओरल कैविटी का म्यूकोजा होता है, वो आज एक पूड़ी खा लिया या तंबाकू खा लिया, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा उसको इंसल्ट हो जाता है या थोड़ा डैमेज हो जाता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपनी बॉडी उसको हमेशा सही करती है। लेकिन जितने दिन वो खाने लगता है, एक साल, दो साल, उसका टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है, उसके बाद उसका जो म्यूकोसा रहता है अंडर का, ओरल कैविटी का एक गाल रहता है, अपना जबान रहता है, तो उसमें छोटा सा अल्सर बनना शुरू हो जाता है, और वही अल्सर जो होता है वो आगे चल के कैंसर में रूपांतरित होता है। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि गुटखा खाने का भी एक तरीका होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, खाते और थूकते हैं, और कुछ लोग मुंह में रख के रात भर सोते हैं, तो जो मुंह में रख के रात भर सोते हैं वो उससे भी ज़्यादा घातक होता है। आजकल ऐसा देखा गया है कि जो निकोटीन जो पहले लोग खाते थे, जो पुराने वाले निकोटीन थे, और अभी जो गुटखा जो आता है, तो गुटखा में वो अलग अलग तरीके के केमिकल्स डालते हैं, जो कैंसर सिर्फ तंबाकू खाने से आते हैं वो हालांकि रिस्पॉन्स कर जाते हैं, लेकिन जो गुटखा खाने वाले जो यंग एज है, उनका कैंसर रेडिएशन, कीमो और सर्जरी को रिस्पॉन्स बहुत कम तरीके से करता है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम और देखेंगे ओरल कैविटी कैंसर के रीजंस, तो उसमें दूसरी बात आती है मुंह की सफाई। अगर मुंह की सफाई नहीं रखी, ओरल हाइजीन नहीं रखा, किसी का दांत गिर जाता है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाता है, तो उसमें इन्फेक्शन चढ़ जाता है, और उसका भी एक रीज़न है कि वो कैंसर में रूपांतरित हो जाता है। तीसरी बात आती है कि खाना पीना। खाना पीना हमारे देश में अगर देखेंगे तो जो बहुत अमीर लोग हैं उनका ही खाना पीना ठीक से चलता होगा, लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर लोग हैं उनका खाना पीना कुछ क्या कहते हैं, डाइट में उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिलते, उसके वजह से उनका इम्यूनिटी कम होता है, और अल्दम और एक रीज़न हो जाता है कि उसका कैंसर में वो दे आर मोर प्रिडिस्पोज, बोले तो ज़्यादा उनका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अगर आप पूछोगे कि तंबाकू खाने वाले में होता है, जो नहीं खाते उनमें भी कैंसर होता है, तो ये क्या रीज़न है? तो कैसा है, अगर हम 100 लोग पकड़ते हैं जो कैंसर तंबाकू खाते हैं, और 100 लोग पकड़ते हैं जो नहीं खाते हैं, अगर देखेंगे जो लोग तंबाकू खाते हैं 100 लोग, तो उसमें से 70 से 80% लोगों में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है,
और जो लोग नहीं खाते तो उनमें 20-30% लोगों में ही होता है। सो अगर हम देखेंगे कंपैरिजन करके तो जो तंबाकू खाते हैं उनमें ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा उनको डर है कैंसर उनमें पैदा होने की कंपेयर टू जिनमें नहीं है। तो ये हो गया ओरल कैविटी का। अगर हम जाते हैं अब बच्चेदानी की मुंह का कैंसर, जो कि फीमेल्स में इंडिया में मोस्ट कॉमन है, जो कि विलेज में ज़्यादा कॉमन है, विलेज में रूरल एरिया में, और जो अर्बन एरिया है उधर देखेंगे तो हमारे इधर ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा कॉमन है। अभी हम बच्चेदानी की मुंह के कैंसर की बात करेंगे तो इसमें ऐसा होता है, हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हाइजीन। तो जो अपने फीमेल्स है इंडिया के जो लेडीज़ लोग हैं वो क्या करते हैं, कपड़ा यूज़ करते हैं या फिर जो अपने योनि मार्ग है उसकी स्वच्छता नहीं रखते हैं, तो उससे क्या होता है, एक HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम का एक वायरस रहता है जो कि सर्विक्स का इन्फेक्शन हो जाता है, और एक बार इन्फेक्शन हो गया तो वो कैंसर में उसका रूपांतर होना शुरू हो जाता है। तो HPV से 90% जो लेडीज़ या फीमेल जो है उनमें सर्वाइकल कैंसर होता है। ये सारी चीज़ें अभी हम आगे जाते हैं, अभी कैसा रोकथाम करना है इन सब का। एकदम सिंपल चीज़ है, ओरल कैविटी मैंने जैसे बोला कि जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ दीपक हॉस्पिटल जानला में, तो मेरे इधर अगर 60 पेशेंट है तो 60 पेशेंट में 35 पेशेंट ओरल कैविटी के हैं, 15 पेशेंट हैं सर्वाइकल, बाकी जो बचते हैं ब्रेस्ट एंड ऑल दैट। तो इसमें अगर देखेंगे तो ओरल कैविटी और सर्विक्स ये दोनों चीज़ें रोकने में एकदम ईजी, और कैसे है मैं समझाता हूँ। ओरल कैविटी हम देख सकते हैं डायरेक्टली, उसको कुछ स्कैन करना नहीं, कुछ नहीं कि भैया ये जांच करके आओ फिर देखते हैं। ओरल कैविटी में हमें कैंप लेना होता है, कैंप में हम सारे लोगों को, गाँव के लोगों को बुलाते हैं जो तंबाकू खाते हैं, जो नहीं भी खाते हैं उनको हम ओरल कैविटी में अंदर से सारा चेक करते हैं। अगर हमें कहीं पर भी कुछ भी सस्पिशन लगता है कि भैया इसको थोड़ा छोटा सा अल्सर है, तो उसको पिक करके हम तुरंत ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कैंसर का इलाज है, लेकिन जब हम उसको पहले स्टेज में पकड़ेंगे तो, दूसरे या तीसरे स्टेज में जब पकड़ेंगे तो उसका भी इलाज है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा देर चलता है और भविष्य में फिर से बीमार आने का चांसेस बढ़ जाता है। तो अभी इसमें अगर जैसे मैंने बताया कि जल्दी पकड़ना बीमारी को, ये एक हो गया कैंप के जरिए, लेकिन आपको कैंसर ना हो इसलिए हमें क्या करना है, एक तो हमें हमारी आदतें बदलनी है, हमारी लाइफस्टाइल बदलना है। लाइफस्टाइल में क्या है, हमारा खाना पीना टाइम से खाना, टाइम से सोना, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात है तंबाकू और गुटखा का जो सेवन करते हैं वो बिल्कुल बंद करना है, और अपना काम है कि लोगों में ये सारी चीज़ें फैलाना है कि भैया टोबैको से कैंसर होता है। तो मुझे आज पता चला है तो मैं 2 लोगों को बताऊंगा, वो और 4 लोगों को, तो ऐसे मैसेज स्प्रेड करना है। ये हो गया ओरल कैविटी का। और हम अगर बच्चेदानी का कैंसर की बात करते हैं तो उसमें भी वही चीज़ें हैं जैसे मैंने बताया कि लाइफस्टाइल बोले तो खाना पीना और एक्सरसाइज करना, उससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ है हाइजीन, हाइजीन बोले तो कपड़ा नहीं यूज़ करना है महावारी में। दूसरी बात है कि जब भी आप कुछ करते हो टॉयलेट वगैरह जाके आते हो तो अपना योनि मार्ग अच्छे से साफ रखना है, और घर में ही जो शौचालय रहता है शौचालय का यूज़ करना है, बाहर खुले पे कभी शौचालय में जाना नहीं। ये सारी चीज़ें हो गई उसके रोकथाम के लिए। डॉक्टर साहब, ये कैंसर हुआ है ऐसे में घर के लोग परेशान रहते हैं, पेशेंट भी आगे आता नहीं है, तो ऐसे पेशेंट ने क्या करना चाहिए, और पेशेंट की जो दिल में तकलीफ होती है यानी डर है क्या बहुत बड़ा खर्चा लगेगा, अब मेरे को ऐसे ही रहना है, तो इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है, यही ज़रूरी है कि इसका इलाज क्या है और लोगों तक वो कैसे पहुँचेगा। अगर आप मुझे पूछोगे कि कैंसर ठीक होता है क्या, जैसे मैंने बताया कि अर्ली स्टेज में है तो कैंसर पूरी तरीके से ठीक होता है, उसका इलाज होता है एक तो सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी। इसमें जो है अगर बहुत सारा खर्चा आता है, अगर प्राइवेट में हम देखते हैं सो पेशेंट को लगभग लाखों में खर्चा करना पड़ता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कीम्स आए हैं, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले और प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, ये सारी चीज़ों की वजह से ऐसा हुआ है अब कि जो पेशेंट पहले ट्रीटमेंट नहीं ले सकता था या नहीं आ पाता था वो भी आज हमारे पास पहुंच रहा है और वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो मेरा यही आप सबसे निवेदन है कि आपके ज़रिए आरोग्य जागृति के ज़रिए कि ये मैसेज आप सब तरफ स्प्रेड करो कि आपके कोई रिलेटिव है, कोई सफ़र हो रहा है कैंसर से, तो उन्होंने ये सारी जो योजना का लाभ लेना चाहिए और उन्होंने इंक्वायरी करके हॉस्पिटल में जाना चाहिए। पहले सवे का होते का तुम्हारा?
10 वर्षापासून. माझ्या पतीला कॅन्सर झाला होता, मग इथं दीपक हॉस्पिटलमध्ये आलो. यांनी आम्हाला म्हणजे महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेमध्ये ऑपरेशन करायला सांगितलं. ऑपरेशन झालं, आता चांगले झाले, म्हणजे आता चांगलं वाटतं. तुम्ही कोणत्या गावचे? आम्ही सिल्लोड. सिल्लोडमध्ये कोणतं गाव? ओडुचा. आता ओडुचा.